बिल्कुल एवरीवन, कल की तरह आज भी हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है सिलोजिज्म, आज का जो टॉपिक है सिलोजिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम डाल देते हैं सिलोजिज्म। ये बहुत बच्चों के लिए क्या होता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। तो लेकिन आज आपके सारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन से ही आपके सारे डाउट्स जितने होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आपसे इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। बस आप वीडियो देखते रहिए एंड तक, ठीक है। तो इस देखो चैप्टर को, तो टोटली ये 5 क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जो इस क्वेश्चन में लगने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें देखो 3 कंडीशन होती है। अगर फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं, ठीक, कंडीशन देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में। तो देखो आल ए इज बी, इसका जो हम यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, ऑल ए इज बी, ठीक है। ये कर सकते हैं, केवल यहाँ पे एक ही कंडीशन यही सही होगा। अगर हम ऐसा करना चाहें ए और बी, ठीक है, लेकिन ये गलत होगा। केवल ऑल ए इज बी ये कंडीशन होगा तो ये सही होगा, ठीक है। सम ए इज बी, इसको कैसे दिखाएंगे, सम ए इज बी, ए बी ऐसा दिखा सकते हो। फिर या आप सम ए इज बी, आप ऐसा दिखा सकते हो। तो इसको सम ए इज बी आप इन दोनों कंडीशन से इसको शो कर सकते हो, ठीक है। अगर नो ए इज बी, इसकी कंडीशन कैसे दिखेगी, नो ए इज बी तो ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। यहाँ पे देखो कोई रिलेशन नहीं, यहाँ पे क्या है, सारे ए बी हैं, यहाँ पे रिलेशन नहीं है। यहाँ पे पार्शली ए और बी में रिलेशन है, यहाँ भी ए और बी में, जो कि यहाँ और ए बी में क्या है, कोई रिलेशन नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, तो इसको क्वेश्चन में जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। सम कार्स आर जीप्स, सेकंड दिया है ऑल ट्रैक्टर्स आर जीप। तो यहाँ पे कंक्लूजन आपको दिया है सम जीप्स आर कार्स, सेकंड दिया है सम जीप्स आर ट्रैक्टर्स, और उसके हिसाब से आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन मिले हैं। इफ़ ओनली फर्स्ट फॉलो, सेकंड इफ़ ओनली सेकंड फॉलो, इफ़ आइदर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, और डी है इफ़ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सम कार्स आर जीप, तो इसका रिलेशन इस बनेगा। और दूसरा बोला आल ट्रैक्टर आर जीप्स, देखो अगर हम इस पे कर देंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा सम कार्स आर ट्रैक्टर भी हो जाएगा, लेकिन हमें बनाना है आल ट्रैक्टर्स आर जीप। केवल ट्रैक्टर और जीप में ये रिलेशन बताया है। तो यहाँ से देखो ऑप्शन, अगर फर्स्ट देखो इसमें बोला गया है सम जीप्स आर कार, अगर हम कंक्लूजन में देखें सम जीप्स आर कार, फर्स्ट यानी सेकंड से फर्स्ट सही है। सेकंड की बात कर लेते हैं, ये बोला है सम जीप्स आर ट्रैक्टर, सम जीप्स आर ट्रैक्टर ये भी सही है। तो यहाँ से देखो लास्ट वाला डी ऑप्शन, तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ईजी है, बस देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 2 है सम फैंस आर एग्जास्ट, और सेकंड बोला है आल लैम्प्स आर ट्यूबलाइट, थर्ड बोला है आल एग्जास्ट आर ट्यूबलाइट। इसका कंक्लूजन रखा है सम एग्जास्ट आर लैम्प्स, सम ट्यूबलाइट्स आर फैंस, सम ट्यूबलाइट्स आर लैम्प, ठीक है। तो यहाँ से कंडीशन के हिसाब से बनाते हैं। तो फर्स्ट बोला है सम फैंस आर एग्जास्ट, सम फैंस आर एग्जास्ट। सेकंड बोला है आल लैम्प्स आर ट्यूबलाइट, उसको भी छोड़ो, आल एग्जास्ट आर ट्यूबलाइट, जितने भी एग्जास्ट है वो सारे के सारे क्या हैं, ट्यूबलाइट। और सेकंड बोला है आल लैम्प्स आर ट्यूबलाइट, जितने भी लैम्प्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ट्यूबलाइट। लैम्प में ई और एफ का कोई रिलेशन, मतलब एग्जास्ट और फैन में कोई रिलेशन है, तो ऐसा बनाना है इसमें कोई रिलेशन आए भी ना, तो यहाँ पे अलग कर दो, ठीक है। आल लैम्प्स आर एग्जास्ट हो गए, सॉरी आल लैम्प्स आर ट्यूबलाइट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन मैंने दिखा दिया। तो अब कंक्लूजन, फर्स्ट में पहला बोला है सम एग्जास्ट आर लैम्प, एग्जास्ट और लैम्प पे रिलेशन देखो, एग्जास्ट और लैम्प में कोई रिलेशन है नहीं, फर्स्ट वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड देखो सम ट्यूबलाइट आर फैंस, सेकंड है सम ट्यूबलाइट आर लैम्प्स,
सम ट्यूबलाइट आर लैम्प्स, ये भी सही है। ठीक है, थर्ड देखो, सम ट्यूबलाइट आर लैम्प्स, थर्ड बोला है सम ट्यूबलाइट, सॉरी सॉरी, सेकंड बोला है सम ट्यूबलाइट्स आर फैन, सम ट्यूबलाइट्स आर फैन, ये सही है। और थर्ड वाला भी बोला सम ट्यूबलाइट्स आर लैम्प, सम ट्यूबलाइट्स आर लैम्प, ये भी थर्ड है। यानी ऑप्शन नंबर कौन कौन सा सही हो जा रहा है, सेकंड थर्ड, तो सेकंड और थर्ड यानी बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख करते हैं। सम स्क्वायर आर रेक्टेंगल, सेकंड बोला है ऑल ट्रैक्टर्स इज ट्रैंगल्स, थर्ड बोला है सम ट्रैंगल्स आर सर्कल, और कंक्लूजन दे रखा है सम स्क्वायर आर सर्कल, सम रेक्टेंगल आर सर्कल, थर्ड बोला गया सम ट्रैंगल आर स्क्वायर। उसके हिसाब से यहाँ पे तीन ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, वो आपको बताना कौन से। ठीक है, तो यहाँ से सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें बोला गया है सम स्क्वायर आर रेक्टेंगल, सम के बात किया है तो सम की कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगी, सम स्क्वायर आर रेक्टेंगल। ठीक है, आल ट्रेंगल, सॉरी आल रेक्टेंगल इस ट्रेंगल, जितने भी रेक्टेंगल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ट्रेंगल हैं, तो ये हो गया। और थर्ड बोला सम ट्रेंगल आर सर्कल, सम ट्रेंगल आर सर्कल, देखो जो सर्किल में रेक्टेंगल और स्क्वायर में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ ये बोला है सम ट्रेंगल आर सर्कल, तो सम ट्रेंगल आर सर्किल ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑप्शन देखो, फर्स्ट बोला है सम स्क्वायर आर सर्कल, फर्स्ट है सम स्क्वायर आर सर्कल, स्क्वायर ये सर्कल ये है, इसमें रिलेशन कोई है नहीं है, तो रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड बोला है सम रेक्टेंगल आर सर्कल, रेक्टेंगल और सर्कल में कोई रिलेशन नहीं है, तो गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड बोला है सम ट्रेंगल आर स्क्वायर, सम ट्रेंगल आर स्क्वायर, ये सही है। तो यहाँ से केवल थर्ड नंबर सही हो जाता है, तो यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। सम रोजेज आर लिलीज, सम लिलीज आर डेफोडिल्स, ये फ्लावर का नाम है। सम रोजेज आर लिलीज, सम लिलीज आर डेफोडिल्स एंड आल डेफोडिल्स आर टर्निप्स, ऑल डॉपडिल्स आर लिलीज, और सेकंड दिया है सम टर्निप्स आर लिलीज, और थर्ड दिया है सम डॉपडिल्स आर रोजेज। तो देखते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फोर इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है सम रोजेज आर लिलीज, सम बोला गया है इसलिए ऐसा बनाएंगे सम रोजेज, रोजेज और लिलीज में ये रिलेशन है, रोजेज और लिलीज। ठीक है, इसके बाद बोला है सम लिलीज आर डॉपडिल्स, तो सम की बात किया लिलीज और डॉपडिल्स में, इसमें तो कोई रिलेशन नहीं बनाया है, तो हाँ, तो इसमें थे सम लिलीज आर डॉपडिल्स। ठीक है, इसके बोला आल डॉपडिल्स आर टर्निप्स, ये जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, टर्निप्स हैं। ठीक है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर वन देखो, ऑप्शन वन बोला है आल डॉपडिल्स आर लिलीज, आल डॉपडिल्स आर लिलीज, ये रॉन्ग है क्योंकि वहाँ पे सब रिलेशन है। सेकंड देखो सम टर्निप्स आर लिलीज, सम टर्निप्स आर लिलीज, ये सही है। और थर्ड देखो, थर्ड में बोला गया सम डॉपडिल्स आर रोजेस, सम डॉपडिल्स आर रोजेस, देखो रोजेस और डॉपडिल्स में कोई रिलेशन नहीं, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। यानी ऑप्शन कौन सा हो जा रहा है, केवल टू हो जा रहा है, तो यानी बी ऑप्शन क्या हो जा रहा है, यहाँ पे बी ऑप्शन केवल क्या हो जा रहा है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव बोला है कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऑल बेंचेस आर बेड्स, और नो बेड्स इज बल्ब, सम बल्ब आर लैम्प्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फॉर्म्ड, फर्स्ट बोला है सम बेड्स आर लैम्प्स, सेकंड बोला है सम लैम्प्स आर बेड्स, और इसके हिसाब से फोर ऑप्शन मिले हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है और कौन सा फाल से, यानी ट्रू बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का सोल्यूशन देखते हैं, तो यहाँ पे बोला है कि आल बेंचेज, आल बेंचेज यार क्या है, बेड्स। ठीक है, और नो बेड इज बल्ब, बेड और बल्ब में, यानी नो बेड और बल्ब में क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। और सम बल्ब आर लैम्प्स, सम बल्ब आर लैम्प, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट बोला है
सम बिट्स आर लैम्प, नहीं बिट और लैम्प में कोई रिलेशन नहीं है। सेकेंड बोला है सम लैम्प्स आर बिट, ये भी गलत है। तो यहाँ से देखो कोई भी रिलेशन नहीं सही है, तो यहाँ से जो डी ऑप्शन है, जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि उसमें दिया है कि दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन टोटल 5 क्वेश्चन देख लिया और केवल 2 लाइन में सारे के सारे आंसर निकल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 3 कंडीशन केवल बनेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं ऑपरेशन की वजह से आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा केवल 2 लाइन में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन और इसमें यूज होने वाले ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारे नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।